म्युनिसिपलिटी चेयरमैन लखनऊ सिटी में लानी है, बड़े प्रेम लाने हैं। और मुझे बागवा है दिल फकत घर के वतन के वास्ते, मैं एक बार फिर तहे दिल से इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारी विनिंग टीम के लिए, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। दो रन बनाए, मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक हासिल करेंगे। मोमेंटो भाव से तालू करते हैं अंकित चौधरी, तानी मुख्य अतिथि जी के दस्ते मुबारक। ये है हमारे विकी सामने जिन्होंने आएंगे मोमेंटो हासिल करेंगे आज। मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक, मेहमान मुमताज के दस्ते मुबारक से सामने सामने देखना कुमार सामने सामने बहुत मेहनती। मैं गुजारिश करूंगा हमारे दर्शकों तक पूरा ही इसका हाल सुनाया। इनके बाद संदीप से इशारा होता था थर्ड एम्पायर को, अपना बहुमूल्य योगदान अपना साथ दिया और सामने सर सामने श्री उमेश वक्ता एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट स्टेडियम कठुआ के लिए मेरे भाई जाने में खूबसूरत गाड़ी वहां सत्य लगी है हुए कहता है इन स्पॉन्सर्स का इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। इनके बाद गुजारिश रहे, इनके बाद रविंदर शर्मा सी टू जाना गया श्री रविंदर जी करेंगे आज ये जादानी प्रसाद सुखदेव सिंह जी और बलविंदर सिंह जी हमारे शाहरुख पठान जी जैसा कि मुझे बताया गया ये खूबसूरत ट्रॉफी इंडस्ट्री एसोसिएशन कठुआ लमे आज कैच हो जाएंगे और इतिहास के पन्नों को सम्मान बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया हमारे मुख्य अतिथि सिक्की 11 सौरव धालीवाल ने 155 रन बनाए सर। कठुआ में आप सब लोगों का डिस्ट्रिक्ट कठुआ पुलिस के सभी रैंक्स की तरफ से मैं वेलकम करता हूं। आज के इस क्लोजिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट द वेरी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जे एन के श्री दिलबाग सर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन श्री मुकेश सिंह सर, जहां पे अलग अलग डीडीसी मेंबर्स, कठुआ म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन नरेश शर्मा जी, लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रविंद्र शर्मा जी, मेरे कोलीग आज के इंचार्ज सर, क्या देखते हैं कितना सम्मान है शहीदों के लिए। देखिए ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज 10वां शहीदों का यादगारी जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है समाप्त हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे जिला का डिस्ट्रिक्ट एसपी और उनकी टीम को और बाकी ऑर्गेनाइजर को, मुबारकबाद देना चाहता हूं यहां की शहीद वेलफेयर कमेटी को कि जिन्होंने सब ने मिलकर के बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये उन शहीदों की याद में है जो हमारे मुल्क की हमारे लोगों की हिफाजत करते हुए अपने जान की आहुति दे गए, उनके सम्मान में ये टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज होता है और मुझे खुशी है कि इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ के अलग अलग जगहों की ऑल इंडिया लेवल की टीम जहां पर पार्टिसिपेट करती हैं, लोकल लोग बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करते हैं, शहीदों के परिवार इस पूरी इवेंट का टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं और हमारे यहाँ के रिटायर्ड सर्विंग सभी ऑफिसर और यहाँ की लोकल जो सिविल सोसाइटी है उसके लोग, वहाँ की जो सिविक बॉडीज़ हैं उनके नुमाइंदगान वो सारे के सारे इसमें शिरकत करते हैं। मुझे फ़ख्र इस बात का कि ये इवेंट साल दर साल अपनी इम्पोर्टेंस में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम इस इवेंट को और ज़्यादा बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। मैं आप सबको भी आज के इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए मुबारकबाद।